जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत ब्लेस्ड सत्संग है और ये सत्संग रिकॉर्ड करके हमें जो सेवा भेजी है इस सत्संग की संगत जी, वो जम्मू से सुनीता आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की ओल्ड संगत का सत्संग है जो आंटी जी ने रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। मैं दिल से सुनीता आंटी जी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा सत्संग पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और मत्था टेक के वो दीवार के साथ बैठ जाती थी, चुपचाप दीवार के साथ बैठी रहती थी और रोती रहती थी, आंखों से आंसू बहते रहते। हम लोग देखते थे, सारी संगत देखती थी, गुरु जी के पाँव दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, हम कंधे दबा। वो चाय प्रसाद लेती, लंगर प्रसाद खाती, लंगर प्रसाद करके मत्था टेक के चली जाती। दूसरे दिन फिर वही हुआ, हमने देखा आंटी आई, चुपचाप दीवार के साथ बैठ गई और मत्था टेका गुरु जी के आगे और रोने लग गई, खूब जार जार उनके आंसू बहते रहते थे। तो एक दिन जैसे मेरे से राह दे गया, मैं गुरु जी के पाँव दबा रही थी, ये बिल्कुल सच्ची और गुरु जी जानते हैं, मैं बिल्कुल गुरु जी के कहे अनुसार सच बता रही हूँ। गुरु जी का ये चमत्कार मैं इसलिए नहीं सुनाती थी कि गुरु जी संगत पता नहीं क्या कहेगी, मानेगी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ वहम भी आता था। तो वो आंटी, मैंने एक दिन गुरु जी से कहा, मैंने कहा आंटी, ये गुरु जी आंटी आती है, ये रोज रो रो के चले जाते हैं, आप देखते हो ना। गुरु जी चुपचाप सुनते रहे, आंखों से देखते रहते थे। उन्होंने लंगर प्रसाद किया, फिर आंटी ने लंगर प्रसाद करके बैठी। जैसे मैं बैठी थी तो गुरु जी कहने लगे अंदर आ। आंटी ने कहा गुरु जी आज्ञा दे देते, घर जा, कल मुंडे ले आई। हूं मैंने तो नहीं पता सी भाई मुंडे नु किया या कुछ है। मैं गई, मैं क्या आंटी जी गुरु जी ने आज्ञा दे दीती है, तुम जाओ घर, कल मुंडे को ले आना। गुरु जी ने आंटी ने गुरु जी को मत्था टेका और चली गई। दूसरे दिन वो अपने बच्चे को गोदी लेके आई, गुरु जी के मुंह से निकला, जैसे ही उन्होंने मत्था टेका गुरु जी ने कहा आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। पर वो 14 साल का बच्चा पैरालिटिक था, उसके हाथ लटक रहे थे ऐसे, टांगे लटक रही थी ऐसे, सिर उसका गिरा हुआ था कंधे पे। उन्होंने आंटी ने संभाला उठा, हमने अपनी आंखों से देखा है, और गुरु जी ने उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कह दिया। सोचिए जरा, सारी दुनिया हैरान के, वो कैसे कह सकते हैं, हम भी हंसने लगे, ऐसे आई गई बात हो गई कि गुरु जी ने ऐसे कह दिया, मजाक है। पर थोड़ी देर में उन्होंने सेवादार को बुलाया, हाथ से इशारा करके कहा चाय ले आ, ऐसे बोल देते। चाय का गिलास आ गया, शीशे के गिलास में चाय आती थी छोटे छोटे, चाय का गिलास आया, गुरु जी ने लिया, गुरु जी ने लिया, गुरु जी ने एक घूंट छोटा सा पिया उसमें से, और गुरु जी ने सेवादार को कहा आंटी दे दे, आंटी को कहा तल्ली पे रख दे, तल्ली मीन्स अकेली, अकेली पे रख दे मुंडे की। अब बच्चा जो हाथ भी नहीं उसका हिलता था ऐसे था, तो आंटी बेचारी डर रही थी, माँ उसने सोचा अगर ये चाय गिर गई तो उसकी टांगों पे गरम गरम चाय गिर जाएगी बच्चे की, 14-15 साल का बच्चा उसकी टांग जल जाए, वो रख नहीं रही थी। गुरु जी ने दूसरी बार फिर कहा तेनों क्या तल्ली ते चाह कर दे, तो जोर से कहा, थोड़ा गुरु जी को गुस्सा भी आ ही जाता था। तीसरी नहीं रखी उसने, फिर भी थोड़ा डरती रही कि मैं पिलाती हूँ अपने हाथ से। गुरु जी ने कहा मैंने किया ना, इतने तक वो सेवादार भाग के आया, उसने कहा आंटी जी चाय इसकी अकेली पे रख दो, जब गुरु जी ने कहा है तो अब रख दीजिए इस चाय को। तो अब आंटी ने सोचा गुरु जी ने कहा है, अब तो मैं पीछे चुप नहीं। उन्होंने बच्चे की हथेली पे चाय रख दी, हमने अपनी आंखों से देखा है संगत जी, ये सच है, बिल्कुल सच है। और बच्चे ने ग्रिप दे दी गिलास को, ऐसे ग्रिप दे दिया,
जो बच्चा हाथ बंद नहीं कर सकता था उसने गिलास पकड़ा और ऐसे ग्रिप दे दिया गुरु जी देखते हैं। और आप विश्वास करिए 10 मिनट में बिना सहारा लिए बच्चे ने चाय पी दी, चाय खत्म। बोली एक बार जोर से जय गुरु जी। दूसरी बार फिर गुरु जी ने कहा ओए चाय ले आ, एक गिलास और चाय का आ गया। आया गुरु जी ने क्या धरते उसकी माँ को कहा धरते और तल्ली जय। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था मदर को भी, उसने वो गिलास लेके गुरु जी की तल्ली बच्चे की हथेली पे रख दिया। बच्चे ने दूसरा 10 मिनट में दूसरा गिलास भी चाय पी लिया। पी के माँ माँ जो बोलता नहीं था माँ माँ मतलब मेरा गिलास ले ले उसका ये मतलब था। उसने वो गिलास माँ ने लिया और ले गए मत्था टेका। वो कहने लगे इसको ले जा घर जा। 2 दिन बाद आई घर जा। जैसे वो बच्चे को उठाने लगी गुरु जी को गुस्सा आया, कहने नहीं बाँह फाड़ के ले जा गोदी नहीं ले जाना बाँह फाड़ के ले जा। उन्हें बच्चे की बाँह पकड़ी और बच्चे को वहां एम्पायर स्टेट के जब नीचे मतलब उतरते थे ना गुरु जी की गद्दी के पास 2 सीढ़ियां थी 2 या 3 नीचे एग्जैक्ट याद नहीं 2 सीढ़ियां उतरनी पड़ी। अब ये देखिए जो बच्चे को गोदी में लाई थी उसको बाँह पकड़ के ऐसे बाँह पकड़ के बच्चे को वो ले जा रही है लेगी सीढ़ियां चढ़ा के बच्चे को ले गई। बाहर शायद उसका ड्राइवर था और प्लेटिनम भाई साहब भी थे वहां पे उनसे पूछना ये बिल्कुल करेक्ट है ये जो सब मैं बता रही हूँ। तो बाहर वो ले गई और वो गाड़ी में गाड़ी अंदर नहीं लाने गए उनका ड्राइवर उसको पकड़ के गेट तक उस बच्चे को ले गया गोदी लेने लगा। आंटी ने मना कर दिया कि पकड़ के ले जाना है जाके गाड़ी में बैठा दिया उसको। नेक्स्ट डे 2 दिन बाद वो फिर आई तो फिर वो बच्चा अच्छे से चल रहा था और गुरु जी हंस के कहने लगे आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मेरी एंग्जाइटी अब भी बड़ी हुई थी आज दिन तक मेरी एंग्जाइटी मुझे कोई भी उस वक्त की संगत जैसे पता चलता था मैं फोन करती थी मैं पूछती थी उन संगत जैसे ही मिली कि वो बच्चे का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला बाद में हमको कैसे हुआ। कहने लगे जी बच्चा तो उस वक्त 14-15 साल का था आज 40-50 साल का हो गया बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है बच्चा इंग्लैंड में है यूके में उसकी मदर की डेथ हो गई है और वो शादी हो गई है उसके 2 बच्चे भी हैं। सोचिए जो बच्चा पैरालिटिक था उस बच्चे ने कितनी तरक्की की होगी। फिर वो बच्चा वो एक आंटी ने मुझे वैशाली आंटी है उन्होंने मुझे बचाया बताया कि वो बच्चे को बच्चा मत्था टेकता था गुरु जी वो कहने लगा मैं जो कुछ भी हूँ आज गुरु जी की वजह से। और गुरु जी ने उसको आवाज दी कानों में कहने लगे मेरे तो पहले तेरी माँ बाद में मैं। अब कहते हैं उसने अपने घर में पहले मदर की फोटो लगाई हुई है फिर गुरु जी के साथ में लगाई हुई है। वो कहते हैं मैं जो कुछ भी आज हूँ माँ और गुरु जी की वजह से हूँ क्योंकि उसके फादर नहीं थे तब भी नहीं थे और बाद में कहा हो ये फादर तो है ही लेकिन अपने 2 बच्चे कहते हैं वो पाल रहे और खूब अच्छे से मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी तरह के और भी 2-4 चमत्कार है पर ये तो बिल्कुल चमत्कार था आंखों देखा चमत्कार था। जो बच्चा चाय पकड़ नहीं सकता था उसने ग्रिप ली 10 मिनट में चाय पी 2 बार ये सब आंखों से देखा हुआ हमारा है गुरु जी का। और जय गुरु जी धन धन गुरु जी पे भरोसा रखिए विश्वास रखिए और सच्चे दिल से प्रार्थना करते रहिए गुरु जी सब मनोकामना पूरी करते हैं मेरी तो कर रहे हैं सब मनोकामना गुरु जी पूरी करते हैं। जय गुरु जी।